हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सगुना। ट्रेला फूड तक में आज की हमारी रेसिपी है गाजर मूली सोया का पराठा। जी हाँ, सर्दियों का मौसम आ चुका है और इस मौसम में सुबह के समय सभी का मन करता है गर्मा गर्म पराठे खाने का। लेकिन रोज अगर आपको एक नया पराठा बनाना है तो उसमें आपको वैरायटी चाहिए। इसी वैरायटी को लेकर हम आए हैं आपके लिए और हम आज कुक करेंगे मूली, गाजर और सोया का पराठा। इसके लिए पहले हम आटा बना के रेडी करके साइड में रख देते हैं। तो आटे का डो पहले हम रेडी कर लेते हैं, इसको हम छोड़ देंगे सेट होने के लिए। तो आटे का डो हमारा बनके रेडी है। जितने ये सेट होता है उतने हम तैयार कर लेते हैं हमारा मूली, गाजर और सोया का मसाला। उसके लिए मेरे पास यहाँ पर मूली है, इसको मैंने पहले से ही कस के रखा हुआ है। ये मूली मैं डाल रही हूँ एक बड़े बोल के अंदर। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मूली को ग्रेट करें उसके बाद इसको अच्छे से एक साफ रुमाल में डाल के इसका पूरा पानी आप स्क्वीज आउट कर दें। पानी अगर मूली के अंदर रह जाएगा तो पराठा आपका नहीं बेल पाएगा, वो फट जाएगा। उसके साथ ही मेरे पास है यहाँ पर गाजर। गाजर को भी मैंने बहुत फाइनली ग्रेट करके रखा हुआ है, इसका भी पानी मैंने निकाल दिया था। और मेरे पास है यहाँ पर न्यूट्रेला प्री कुक्ड सोया ग्रैनुल्स। तकरीबन 2 चम्मच का इस्तेमाल मैं इसके अंदर कर रही हूँ। प्रोटीन कंटेंट में ये काफ़ी हाई होते हैं और 52% प्रोटीन कंटेंट इनको खाने से आपकी डाइट में शामिल हो जाता है। इसके साथ ही हम इसके अंदर अब ऐड करेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर, और मुझे पराठे में पर्सनली कटी हुई हरी मिर्च का स्वाद बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको बहुत स्पाइसी या मिर्च वाला पराठा नहीं चाहिए। उसके अलावा मेरे पास है यहाँ पर धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा सा अदरक मैं डाल रही हूँ इसके अंदर, चॉप्ड जिंजर का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, और थोड़ी सी अजवाइन, फ्रेश कोरिएंडर, ढेर सारा हरा धनिया मैंने इसमें डाला है। और अब इस मिक्सचर को अच्छे से हम सारे स्पाइसेस के साथ मिला देते हैं। तो लीजिए, मसाला बनके रेडी है मूली, गाजर और सोया ग्रैनुल्स का। देर किस बात की है, पराठा बनाना हम शुरू करते हैं। तो लीजिए, बनके तैयार हैं गर्मा गर्म सोया मूली गाजर के पराठे, और बस इनको देखते ही खाने का मन कर जाता है। और न्यूट्रेला फूड तक को ऐसी हेल्दी इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए।